congratulate to Shri Sadhguru, who has contributed a lot to the world. At present, मैं देख रहा हूँ कि जो आने वाला कल है उसमें पानी की कितनी किल्लत होगी. पानी भी एक दुर्लभ वस्तु में ना गिना जाए. और यही नहीं कि हम सब ने सोचा कि इसमें आत्मा है. कभी आपने ये सोचा कि पानी की भी अपनी आत्मा होती है? पानी का भी अपना जीवन होता है और हमें पानी को कैसे बचाना है, इसके लिए जो सद्गुरु जी मिशन लेके चले हैं पूरे वर्ल्ड में, कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में भी हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी सॉयल को बचाएं, अपनी भारत की मिट्टी को शुद्ध करें, अच्छा करें. जो केमिकल बेस्ड मिट्टी हमने कर दी, जो आने वाली 20 साल की बाद की जनरेशन को इसके बहुत, अगर इस समय ध्यान नहीं दिया गया तो इसके नुकसान भी हम ही को झेलना पड़ेंगे. इसलिए हमें आज सद्गुरु जी की बात को मानना चाहिए, सारी सरकारों को मानना चाहिए. और वो वसुदेव कुटुंबकम की आवाज़ लेके चले हैं, पूरे दुनिया को एक परिवार माना है. तो अगर कभी भी कहीं पे भी इस तरीके की बात होती है तो ये सद्गुरु जैसे महात्मा धरती के ऊपर भगवान ने दिए हैं कि वो इन सब चीज़ों का निवारण दुआ से और अपने प्रयासों से अवश्य करेंगे. थैंक यू वेरी मच.